हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम कश्मीरी यहनी गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी यहनी गोश्त की रेसिपी बनाने के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। पहले स्टेप में हमें मीट चाहिए होगा, आप मटन का या बीफ का ले सकते हैं 1 kg। इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे वो भी नोट कर लें। साबुत जीरा 1/2 teaspoon, साबुत सौंफ 1 teaspoon, 4 से 5 अदद ग्रीन कार्डेमम या सब्ज इलायची, 1 stick सिनेमन की या दारचीनी, 2 अदद ब्लैक कार्डेमम या बड़ी इलायची, 1 अदद स्टार एनिस, 5 से 6 अदद हमें क्लोव्स या लौंग चाहिए होंगे। इसके साथ साथ ये मेस के पीसेस हमें 2 से 3 अदद चाहिए होंगे। इनको और जिंजर गार्लिक पेस्ट को मीट के साथ हमने डाल देना है। इसके साथ साथ 1/2 teaspoon साल्ट और 1 cup पानी डालकर कुकर को चला देना है। विसल चलने के बाद 10 मिनट के लिए कुकर को हमने चलाना है। इसके बाद हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मीट को डाल दें, सारे साबुत स्पाइस डाल दें, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डाल दें, 1/2 teaspoon इसके अंदर साल्ट डाल दें, 1 से 1.5 cup इसके अंदर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद कुकर को बंद कर दें। अब इसको चलने दें। दूसरे स्टेप में कश्मीरी यहनी गोश्त की रेसिपी बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो नोट कर लें। मिल्क या दूध 1 cup, दही या योगर्ट 2 cup, प्याज या ऑनियन 1 बड़े साइज का लेके उसको काट लें। इसके अंदर जो स्पाइस जाएंगे वो भी नोट कर लें। सौंफ पाउडर 1 tablespoon, धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर 1 tablespoon, ब्लैक या वाइट पेपर पाउडर 1 teaspoon, जिंजर पाउडर 1 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1 tablespoon, कुटा हुआ जीरा या क्यूमन सीड्स 1 teaspoon, साल्ट 1/2 teaspoon, 2 से 3 अदद ग्रीन चिली कटी हुई और लास्ट में हमें फ्रेश कोरिएंडर चाहिए होगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं। 1 अदद बॉल लेके उसके अंदर दही डाल दें। दही को फेंटते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर दूध डाल दें। अब इसको एक साइड पे रखते हैं, हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। हीट ऑन करने के बाद बर्तन के अंदर 1/2 cup ऑयल डाल दें। और इसके अंदर प्याज डाल दें। को हमने ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इस स्टेज पर इसके अंदर 1 cup पानी डाल दें। आप अगर चाहें तो प्याज को निकालकर उसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मीडियम आंच पर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि जो प्याज है ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर मीट को निकाल के डाल देंगे। कुकर खोलने के बाद जो मीट है वो हम डाल देंगे। अब इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल दें। नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें। कटी हुई ग्रीन चिली डाल दें।
यखनी को नथार कर इसके अंदर डाल दें, साथ ही ये फेंटा हुआ दही डाल दें। अच्छी तरह हलाएं। इसको मुसलसल हलाते रहें। इसको मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकने दें। 15 से 20 मिनट के बाद ये थिक हो जाएगा तो हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। मीट के अंदर हाफ ग्रेवी रह गई है, हाफ ड्राई हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर अगर आप पसंद करें तो ड्राई मेथी डाल सकते हैं, कटा हुआ धनिया डाल दें, हीट को ऑफ कर दें। अब इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह दम पे पड़ा रहने दें, हीट को ऑफ करके 10 मिनट इसी तरह छोड़ दें। इसके बाद हम इसको डिश में निकाल लेंगे। कश्मीरी यखनी गोश्त तैयार हो चुका है, अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। कश्मीरी यखनी गोश्त की रेसिपी तैयार है। इसको आप नान रोटी या फिर चावलों के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह की अच्छी रेसिपीज देखने के लिए फराह्स कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।